मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह में झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। बिजली, पानी और शिक्षा के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमानों पर सड़कों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के आर्थिक उत्थान को लेकर सरकार प्रयासरत है। हमारी सरकार ने प्रदेश की प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछले 8 माह में हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अहम फैसले लिए हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में अटल प्रगति के पथ पर निर्माण से लेकर के ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का मजबूत नेटवर्क तैयार करने पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए से खर्च कर 53,000 किलोमीटर लंबाई के सड़क नेटवर्क को विकसित करने का काम करेगी। हम प्रदेश में 2,750 किलोमीटर के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं 1,000 से अधिक राजस्व गांव से जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही उपखंड, पंचायत समिति और तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालयों से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ा जाएगा। अगर मैं पेयजल की बात करूं तो जल संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने मुख्य जल स्वावलंब अभियान 2.0 शुरू किया है। हमने पेयजल योजनाओं पर 5,334 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जल मिशन के अंतर्गत 7.53 लाख नल कनेक्शन दिए गए हैं और 17 शहरों में करीब 16,000 घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ा गया है।